हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एन एस अकेडमी आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के वन लाइनर्स करने वाले हैं ये पार्ट टू है पार्ट वन मैंने इससे पहले डाल चुका है अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना उसमें भी हमने हंड्रेड क्वेश्चन किए थे एंड दिस वीडियो में भी हम लोग हंड्रेड क्वेश्चन करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टील कंटेंस तो स्टील में कितना कंटेन होता है कार्बन का परसेंटेज बताना है तो जीरो पॉइंट वन से लेके टू परसेंटेज तक कार्बन होता है उसमें सेकेंड है द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज इन द रेस्परेटरी प्रोसेस इज ये सबको पता होगा एयर का कौन सा कॉम्पोनेंट होता है ऑक्सीजन होता है वही हम लेते हैं थर्ड द मेन रोल ऑफ सॉल्ट इन द फूड इज सॉल्ट का मेन रोल क्या है टू मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड फोर्थ है द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल बाय ह्यूमन इज कौन सा मेटल है आयरन फिफ्थ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द काउडंगज काउडंक का मेन कॉम्पोनेट क्या है मीथेन सिक्सथ द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लान्टज कम्पोस्ट ये सबको पता है नेचुरल चीज़ें जो होती है वही बेस्ट होती है तो जो हम कम्पोस्ट बनाते हैं वही बेस्ट होता है नेक्स्ट इज द पी एच ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन भी अप्रॉक्सीमेटली टू ठीक है पी एच कितना हो सकता है एक्व सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टू एट्थ है द हाइएस्ट एलिमेंट फाउंड इन द रॉक एंड मिनरल इज जो हाइस्ट एलिमेंट है रॉक या मिनरल में पाया जाता है वो है सिलिकन नाइन्थ द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर इज कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है टेंथ है द एक्वे सोल्यूशन ऑफ विच गैस हैज अ अट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी किस गैस के एक्वासल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है तो वो है सल्फर डाई ऑक्साइड एलेवेंथ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमोनियम फ्रॉम बॉक्साइड इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिकॉम्पोजिशन जो एल्यूमोनियम टू बॉक्साइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रिकल डिकॉम्पोजिशन भी बोलते हैं ट्वेल्थ इज़ हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ ओके यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड होगा ठीक है एट सेल इज़ मेड अप ऑफ एन एसिड हाइड्रोजन एंड अ एलिमेंट क्लोरिन ओके नेक्स्ट इज द कमर्शियल यूटिलिटी ऑफ इथेलिन एंड स्टाइरीन इज ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ जो कमर्शियली इथिलीन और स्टाइरीन बहुत यूज होता है तो ये किसके वजह से होता है इनका पोटेंशियल क्या है पोलीमराइजेशन का इसके वजह से ये ज़्यादा यूज़ होता है द कम्पाउंड दैट डज नॉट फॉर्म अ क्ल्योर सॉरी क्लीन सोल्यूशन विद वाटर इज कौन सा कंपाउंड है जो क्लीन सोल्यूशन वाटर के साथ फॉर्म नहीं करता तो वो है बेंजोइक एसिड प्योर एल्कोहल फ्रॉम सूरा कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस किस प्रोसेस से ऑप्टेन हो सकता है तो डिजिटलाइजेशन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन ओशन वाटर इज हाइएस्ट अमाउंट कौन सा है ऑर्डनरी सॉल्ट द गैस प्रोड्यूस बाई फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन इज शुगर सोल्यूशन का फॉर्मेंटेशन करते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड एटीनथ है द पी एच ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज टू वॉट विल बी द वैल्यू टू इट विल इंक्रीज इट्स पी एच वैल्यू मतलब कि क्या उसमें ऐड किया जाएगा कि उसकी पी एच वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो एक्व अमोनिया जब ऐड करा जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट इज नेचुरल सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट एंड फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑप्टेन नेचुरल सब्सटेंस जो है वो एक ही एलिमेंट ऐसा नेचुरल सब्सटेंस हमें बताना है जो एक ही एलिमेंट से बना है और उससे एनर्जी हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं तो वो है कोल ट्वेंटी वाटर इज ऑफन नॉट यूज टू एस्टिंगश फायर पेट्रोल बिकॉज पेट्रोल फायर मतलब पेट्रोल से जो आग लगती है उसमें हम लोग पानी यूज़ नहीं करते तो क्यों यूज़ नहीं करता है पूछा है क्योंकि वाटर एंड पेट्रोल आर सेपरेटेबल पेट्रोल फॉर्मल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वाटर और पेट्रोल अलग नहीं होते वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है अपनी तो और आग लगने लगेगी आग बुझेगी नहीं ट्वेल्थ है इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन तो कौन कौन से सब्सटेंस है कैस्टिक सोडा क्लोरीन एंड एलुमिनियम ट्वेंटी टू द गैस दैट पोल्यूट द एन्वायरमेंट इज सल्फर डाईऑक्साइड और भी बहुत सारे गैस होते हैं जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं ट्वेंटी थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर प्लांट ग्रोथ आर मेड अप ऑफ जो प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है नाइट्रोजन ट्वेंटी फोर हाउ द कंपाउंड मेड बाई हीटिंग कैस्टिक सोडा सल्यूशन विद सीड ऑयल इज यूज कौन से सब्सटेंस है जिसमें हीटेड कास्टिंग सोडा सल्यूशन और फ्लैक्स सीड ऑयल यूज होता है तो वो है सोप नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर टू ग्ला गैसेज यूज इन द इंडस्ट्री प्रोडक्शन फॉर सल्फ्यूरिक एसिड तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है इन दोनों को मिलाकर ये दोनों गैसेस को मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ट्वेंटी सिक्स बाई वट मैथड कैन प्योर वाटर बी ऑबटेन फ्रॉम द ओशन ओशन से साफ पानी कैसे कर सकते हैं तो डिजिटलाइजेशन की वजह से मतलब इस प्रोसेस से हम उसको प्योर कर सकते हैं ट्वेंटी सेवन इन विच प्रोसेस नॉर्मल सॉल्ट आर ऑबटेन फ्रॉम सी वाटर सी वाटर से नॉर्मल सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है एवेपरेशन के प्रोसेस से ट्वेंटी एट वट हैपन इन विंटर सॉरी what happen इन द वाइट लेयर दैट accumulates ऑन द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट used टू boil वाटर हार्ड देखो कभी आपने भी नोटिस किया होगा अगर ऐसे नल का पानी लेके सीधा उबालोगे ना तो बर्तन के साइड साइड में वाइट कलर का छोटा छोटा सा से आ, वो रहता है मतलब डॉट डॉट जैसे दिखेंगे आपको ठीक है देखना कभी नल का पानी उबाल के ज़्यादा उबालना जैसे चावल बनाने के लिए कभी पानी उबालते हैं तो मैंने तो नोटिस किया ये ठीक है तो ऐसे वाइट लेयर या डॉट डॉट सा आ जाता है तो क्यों होता है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के वजह से होता है ठीक है ट्वेंटी नाइन विच इज द कॉमन सॉल्ट इसमें से मतलब ऑप्शन दिया था उसमें से कॉमन सॉल्ट कौन सा था तो सोडियम क्लोराइड दैन थर्टी आफ्टर पासिंग थ्रू द रॉक वट बिकम हार्ड बाय डिजॉल्विंग इन वाटर तो क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पानी में जाके हार्ड बन जाता है नेक्स्ट इज वट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट थर्टी टू फिनन यूज इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस गिवन टू द पेशेंट्स ऑफ डिजीज किडनी जिन पेशेंट्स की डिजीज किडनी होती है मतलब किडनी ख़राब होती है तो उनको क्या किया जाता है डायलिसिस दिया जाता है ठीक है थर्टी थ्री देर इज अ मिक्सचर ऑफ मिक्स जो गन पाउडर होता है उसके मिक्सचर में क्या क्या होता है ये पूछा बेसिकली तो इसमें नाइट्रोजन होता है सल्फर होता है चार चारकोल होता है थर्टी फोर रिएजेंट इज द काला ब्लीचिंग रिएजेंट तो ये काला ब्लीचिंग रिएजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड थर्टी फाइव द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इंटू अ गेसियस फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन होता है ऐसा नहीं तो सॉलिड से लिक्विड फिर लिक्विड से गैस में होता है ना 36 silver highlight are used in the photography plate because they are colorless. They are colorless 37 do not sleep near or under a tree at night because leaves, a tree leaves at night. तो आपने घर के किसी बूढ़े या उन लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए तो ये यही रीज़न है क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड उधर ज़्यादा हो जाता है तो जब हम अगर सांस लेंगे ना तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही सारे उधर हो जाएगा मतलब हमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलेगा ठीक है थर्टी एट क्वार्स ग्लास इज़ अ प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका फॉर पासिंग रे इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो कॉड ग्लॉस क्या है एक प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका है जो अल्ट्रा वायलेट रे को पास करने में यूज़ होता है ये टाइप का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है थर्टी नाइन द गैस यूज कुक ग्रीन फ्रूट इज़ कुक मतलब ये वर्ड गलत दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए था ग्रीन जो मतलब कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सा गैस यूज़ होना होता है ठीक है तो इथिलीन होता है फोर्टी द प्राइमरी गोल्ड प्योरिटी इज़ मतलब जो सबसे प्योर गोल्ड होता है वो ट्वेंटी फोर कैरेट का होता है ठीक है पर ये यूज़ नहीं होता हमारे जो भी हम लोग यूज़ करते हैं जैसे सोने की बालियाँ पहनते हैं कान का या नाक का जो भी पहनते हैं तो वो ट्वेंटी फोर कैरेट का नहीं होता है फोर्टी वन से पैसल क्या है ये ट्रैंकुलाइजर है फोर्टी टू क्लोरोन अ कंपाउंड दैट एक्ट एज एन एंटी मलेरियल ड्रग ये कोविड में भी बहुत काम आया था और इंडिया में मलेरिया बहुत होता है तो इंडिया के पास ये दवाई थी तो इंडिया से बहुत सारे बाहर की कंट्री ने एक्सपोर्ट भी करवाया था इसको फोर्टी थ्री द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन वॉर्स कौन सा फर्स्ट मेटल था कॉपर फोर्टी फोर द मोस्ट मैलेबल मेटल इज सबसे मेलेबल मेटल क्या है गोल्ड Forty-five, the industrial process of artificially producing gasoline is called artificially gasoline ko produce karna kya bolte hai, fischer process. Forty-six, the water of river is hardened by the rain water because. जो रिवर का पानी होता है वो रेन वाटर से हार्डन हो जाता है क्यों क्योंकि रेन वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज़ होती हैं एसिड रेन जैसे सुना होगा उसमें और भी कितने सारे वो होते हैं तो उसके वजह से जो नदी का पानी है वो खराब हो जाता है फोर्टी सेवन द पी एच ऑफ ब्लड ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा ब्लड है उसका पी एच कितना है सेवन पॉइंट फाइव फोर्टी एट ह्यूमन बींगज वर्किंग इन एसबेस्ट्रोस फैक्ट्रीजम ऑफ एयर पोल्यूशन द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज द लंग्स तो सबसे पहले देखो जो ये एसबेस्ट्रोस फैक्ट्री है ये क्या होती है तो ये ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे फाइब्रस मिनरल्स या उन सब चीज़ों का काम होता है जैसे सिलका या ब्रेक uh, मेकिंग मतलब वैसी कोई जो फैक्ट्री होती है तो वहाँ पे लोग जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत होता है ठीक है और उनसे उनकी बॉडी का जो सबसे अफेक्टेड पार्ट होता है वो लंग होता है फोर्टी नाइन डायलिसिस इज डन ऑन द पेशेंट्स हु हैव रीनल डिसऑर्डर नेक्स्ट है इंडियन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन ये जो इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में लोकेटेड है फिफ्टी वन दैच नेचर ऑफ सलाइवा इज एसिडिक जो सलाइवा है उसका नेचर एसिडिक है फिफ्टी टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाई बाय सॉफ्ट एक्स रे जो फेक क्न्स है और रियल कॉइन है वो सॉफ्ट एक्स रे के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग द पेपर कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम एन ओल्ड फिंगर प्रिंट तो क्या होगा निहाइड्रेंट सोल्यूशन एच टू ओ टू फिफ्टी फो

बेस्ट वे टू स्टेलाइज अपोथोमिकरेंज इज टू गिव द ड्रग बान इन द बॉडी लिविंग इट इन द एल्कोहल फॉर द शॉर्ट टाइम बिफोर जब कोई भी हमें अगर वैक्सीन सीरेंज देनी होती है ना एक तो पहले ये सजेस्ट किया जाता है कि जो इंजेक्शन है उसको हम एक एक ही बार यूज़ करें ठीक है और यूज़ करके फेंक दें इसलिए जब भी जैसे हम लोग कभी ब्लड डोनेट करने जाते हैं कभी भी जाओगे आगे कॉलेज में अगर जाओगे आप लोग तो कैंपेन होता है तो ये आप ध्यान देना कि अगर वो आप सेम ही सीरेंज यूज़ कर रहे हैं या सेम इंजेक्शन यूज़ कर रहे तो आप मत देना उनसे इसलिए हमेशा सेफ इन्वायरमेंट है तो तभी हमें देना चाहिए ब्लड डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है लेकिन खुद की सेफ्टी भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट है वो करो नहीं तो उसको सिरिंज को अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ दो सारे सैनिटाइजर वगैरह देखना सब में अल्कोहल है अल्कोहल क्या करता है जो भी स्टेलाइज कर देता है उसको ठीक है तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है डैश इज़ द मोस्ट सुइटेबल एंड इन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड होम कुकिंग तो बायोगैस जो है ये बहुत ही सुइटेबल है और इनएक्सपेंसिव भी है स्पेशली गांव के सिचुएशन के लिए बिकॉज वहाँ पे वो लोग कैटल बहुत रखते हैं तो बायोगैस ऑप्टेन करना भी बहुत ही ईजी होता है फिफ्टी एट अमंग दबस्टेंस यूज एज एक्सप्लोजिव ऑप्शन से उसमें से पूछा था इसमें से कौन सा है जो एक्सप्लोजिव जैसे यूज़ कर सकते हैं तो टी एंडी फिफ्टी नाइन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजिव एंड कम्बक्शन तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है इन केस ऑफ एक्सप्लोजिव द प्रेशर इज डिलटेड एरिया इंक्रीज रैपिडली बट नथिंग लाइक दैट हैपन ड्यूरिंग कम्बक्शन तो जब एक्सप्लोजिव uh, होता है तो प्रेशर जो होता है वो डीलिमिट कर देता है एरिया को और रैपिडली बहुत ही इंक्रीज होता है एकदम से फटता है ना कंबशन में वैसा नहीं होता सिक्सटी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ऑर्गेनाइज सेशंस जो ये इंडियन साइंस कांग्रेस है ये हर साल में मतलब एक बार ये सेशन अपना ऑर्गेनाइज करता करवाती हैं सिक्सटी वन फ्लोरसिन ट्यूब्स आर कॉमनली यूज सब्सटेंस जो फ्लोरसिन ट्यूब है इसमें कौन से सब्सटेंस कॉमनली यूज होते हैं तो मर्करी वेपर्स एंड आर्गन सिक्सटी टू कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर टाइफाइड एस टाइफाइड में सबसे कॉमनली यूज मेडिसिन क्या है क्लोरोमाइसिटिसिन सिक्सटी सिक्स ओजिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैन काइंड एज इट फॉर्म्स ओजन क्यों इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो एक प्रोटेक्टिव कवर फॉर्म करता है अल्ट्रा वायलेंट रे से प्रिवेंट करता है हमें ठीक है इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तभी बहुत ही बड़ा एक वो है रीज़न कि हम लोग कंसर्न होते हैं जब ओजोन डिप्लीकेशन होता है तो इसके बारे में स्टडीज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर वो हट गया तो सीधा यू वी रेज आने लगेंगे और हम लोगों को बहुत ही हार हार्म किया मतलब हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज सिक्सटी फोर सब्सटेंस रिलेटेड टू डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी इज तो ये किससे होते हैं एंटी बॉडी से नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ प्लेस इन इंडिया वे कॉपर गोल्ड आयरन कोल अ फाउंड इज एस फॉलोइंग तो मतलब ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है उनके नाम दिए हुए हैं ठीक है तो कॉपर होता है खेदड़ी में गोल्ड होता है कोलार में आयरन होता है खिदुरमुख में और कोल होता है जहरिया ठीक है जहरिया जो भी है ये सिक्सटी सिक्स द मोस्ट अबैंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज़ आयरन जो खाने वाला होता है उसका तो उसका सबसे इम्पॉर्ट देखो ये पे कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लेकिन ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट में तो ऑप्शन आएंगे हमारे पास तो ग्रीन वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा आयरन होता है नेक्स्ट है रनर्स आर गिवन फॉर इंस्टेंट पावर जो रनर होते हैं जो एथलीट होते हैं उनको इंस्टेंट पावर के लिए क्या देते हैं ग्लूकोज नेक्स्ट इज़ द मैक्सिमम पेरिशिबिल सब्सटेंस वाइल्ड कुकिंग फूड इज़ तो ऐसा अमाउंट जो डीके हो जाता है ठीक है पेरिशिबिल मतलब जो ख़त्म हो जाता है तो विटामिन जो होता है ना जब उसको अगर हम पका देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है फूड में से इसलिए फ्रूट्स वगैरह में बहुत विटामिन होता है तो हम फ्रूट्स को कच्चा ही खाते हैं ठीक है ठीके? इवन सैलड भी अगर कोई बनाता है या जो सॉल्ट होता है कभी कभी फ्रूट हम लोग सॉल्ट के साथ खाते हैं ना या चाट मसाला के साथ तो वो भी मना किया जाता है कि वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए वो इसीलिए करते हैं नेक्स्ट है ड्यू टू विच द डो इज पब्ड अप इन मेकिंग ब्रेड तो डो जो होता है वो पब्ड अप हो जाता है क्यों होता है द रिडेम्पशन एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से होता है ये सेंटिमेंट विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन ऑल एसिड सारे एसिड में कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है हाइड्रोजन नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग सोडा इज ड्रिंकिंग सोडा क्या है एसिडिक इन नेचर नेक्स्ट ड्रग दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड वेदरिंग आर कॉल्ड इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्ट करते वो होते एंटीसेप्टिक ये तो इंग्लिश में भी करवाया था मैंने वन वर्ड सब्स्यूशन में नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर इन अ स्पेसिफिक वे इज कॉल्ड रिफाइनिंग ठीक है कोई कंपाउंड है उसमें से मिक्सचर कंपाउंड मिक्सचर में से किसी एक चीज़ को स्पेसिफिकली अलग करना तो उसको रिफाइनिंग बोलते हैं सेंटी सिक्स नेम अ ब्रांच ऑफ केमिकल रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबको पता होगा सब कोई पढ़ता ही है इसको नेक्स्ट इज हाउ डज एन हाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड वर्क एंडहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड कैसे वर्क करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैट एल्कोहल फाउंड एंड जो कोलेस्ट्रॉल होता है किस में होता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है ठीक है इसी की वजह से जो हर्ट डिजीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फैट लेयर जो होता है वो मतलब जमा होने लग जाता है बॉडी में तो हर्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड पहुँचाने के लिए ठीक है तो इसकी वजह से ही ये बीमारी हो मतलब हर्ट की बीमारी हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से नेक्स्ट इज टू प्रमोट फ्यूजन मेल्टिंग अ सब्सटेंस मिक्सड विद अ मेटल कौन सा सबस्टेंस मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं फ्लक्स फ्यूजन को प्रमोट करने के लिए नेक्स्ट इज वाटर दैट इज नॉट फॉर्म फ्रॉम तस्नी इज कॉल्ड हार्ड वाटर तो इसको हार्ड वाटर बोलते हैं जो फॉर्म नहीं होता इनर्ट गैस आर नॉट केमिकली एक्टिव इनर्ट गैस कैसे होते केमिकली एक्टिव नहीं होते रिएक्टिव नहीं होते लेंस सीड्स केक इज़ यूजफुल इन किस चीज में फीडिंग एनिमल मैंगनीज इज़ द मेन यूज मैंगनीज का मेन यूज है माइल्ड टू मेक माइडिक एल्कोहल अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वट तो क्या एड होता है उसमें क्या होता है इसको वैसे भी ड्रिंक नहीं कर सकते डी एन ए वट इज़ द यूनिट इन डी एन ए डी एन ए में यूनिट क्या होती है डी ऑक्सी राइबोस द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ टबैको इज निकोटीन ये तो पता होगा सबको एटी एट द मेटल टू बी मिक्सड इन गोल्ड वाइल मेकिंग ज्वेल्स अभी मैंने बताया था ट्वेंटी फोर कैरेट जब हमने गोल्ड किया था तो वो प्योर होता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करना होता है ज्वेलरी बनाने के लिए क्योंकि वो इतना मतलब होता है उससे ज्वेलरी बन ही नहीं सकती तो उसमें कॉपर ऐड किया जाता है नेक्स्ट इज हु मेक यूटेंसिल्स फॉर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड तो कौन से किस टाइप के यूटेंसिल्स यूज़ होंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमें तो देखा है कम कभी केमिस्ट्री लैब में जब प्रैक्टिकल करते हो तो हमेशा जो भी होता है एसिड वगैरह उसको ग्लास कंटेनर्स में ही स्टोर किया जाता है ठीक है कांच के ऐसे बड़े से शीशे होते हैं और उसको ऊपर से ढका हुआ होता है तो वही पूछा है कि एसिड जो स्ट्रांग एसिड्स हैं उसको किस में स्टोर करते हैं तो ग्लास नाइन्टी द ब्रांच ऑफ केमिकल यूज टू फाइंड एन एक्चुअल क्वान्टिटी ऑफ सब्सटैंस इज कॉल्ड तो ये एक स्टडी है ठीक है एक पूरा सब्जेक्ट भी है एनालिटिकल केमिकल्स ये एक पूरा सब्जेक्ट है इसमें स्टडी की जाती है नेक्स्ट है द पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गेसियस फॉर्म्स सब्सटैंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड तो जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ सॉलिड लिक्विड और गेसिस तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर सके तो उस बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट 92. टू हैज़ बीन गिवन द नेम एंटीबॉडी तो किसको दिया गया है सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड दैट एनी बिट और डिस्ट्रॉय द इन्वेजन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया तो एंटीबॉडी का मतलब पूछा था ठीक है तो ये होगा नाइन्टी थ्री द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजिव ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सिस्टम इज कॉल्ड उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन किसी भी सिस्टम में से अगर पानी की कमी होगी तो वो क्या होगा डिहाइड्रेशन नाइनटी फोर एक विटामिन है द वर्स्ट एयर पोल्यूशन इज फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो एयर पोल्यूशन सबसे खराब है अगला है अगले पांच क्वेश्चन ही बचे हैं बस नेशनल केमिकल लेबोरेट्री इज लोकेटेड इन तो ये कहाँ है पुणे में ई e होगा ठीक है इन विच सब्सटेंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड तो किस में सबसे ज़्यादा फाउंड होता है यूरिया में स्वेट कंटेन स्वेट में क्या होता है वाटर होता है सॉल्ट होता है और वेस्ट मैटर होता है सोडा बाई इज यूजफुल इन एक्सटिंग्विशिंग अ फायर बिकॉज क्यों है बिकॉज इट डिकम्पोस्ड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड वैन हीटेड जब उसको हीट किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है लास्ट क्वेश्चन पेयर ऑफ ऑर्गेनिक बेस इन नेचर न्यूक्लिक एसिड विच आर रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक पेयर ऑफ क्या है ऑर्गेनिक बेसिस है और वो एक न्यूक्लिक एसिड है और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है तो वो है एडेनिन एंड थाइमिन ए और टी का बॉन्ड होता है ना डी एन ए में देखा है एडेनिन और थाइनिन फिर गुआनिन और साइटोसिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है और यहाँ पे डबल तो उसी की बात कर रहे हैं ठीक है सो so, ये था लास्ट क्वेश्चन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग